क्या तुम्हारा माइनक्राफ्ट दिखता है एकदम बोरिंग और बकवास, और चाहते हो कि तुम्हारा माइनक्राफ्ट दिखे कुछ ऐसा, तो चिंता मत करो। बस तुमको कुछ मॉड्स और थोड़ा सा एक अच्छा पीसी होना चाहिए और तुम बिल्कुल दिखोगे मेरे माइनक्राफ्ट जैसा। तो चलिए करते वीडियो को शुरुआत बिना किसी देरी के। तो इसको करने के लिए बस तुम तुम्हारा लॉन्चर ओपन करो और माइनक्राफ्ट 1.20 पर क्लिक करके प्ले पर क्लिक करो या इंस्टॉल करो और डाउनलोड होने का वेट करो। और जब तुम्हारा मेन मेन्यू आ जाए तो माइनक्राफ्ट को क्विट गेम पर क्लिक कर दो। उसके बाद फैब्रिक इंस्टॉलर को ओपन करो जो कि तुमने अभी डाउनलोड किया था, और 1.20 सेलेक्ट करके इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। अगर तुम्हें भी मेरी तरह ये एरर आया तो मेक श्योर कि तुम्हारा माइनक्राफ्ट का लोकेशन सही हो, क्योंकि मेरे माइनक्राफ्ट का लोकेशन अलग है। तो जैसे कि मैं लोकेट कर रहा हूँ अपना माइनक्राफ्ट, तुम भी अपने माइनक्राफ्ट का लोकेशन वैसे सेलेक्ट कर लो, मतलब तुम्हें डॉट माइनक्राफ्ट को लोकेट करना है, और फिर से इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। उसके बाद फिर से माइनक्राफ्ट लॉन्चर को ओपन कर लो। उसके बाद तुम्हें लॉन्चर में एक नया मोड दिखेगा फैब्रिक लोडर 1.20 के नाम से, तो उसको सेलेक्ट कर लो और प्ले पर क्लिक कर दो और गेम एंटर कर लो और फिर से गेम क्विट कर दो। और अब तुम्हें जाना है माइनक्राफ्ट के मॉड्स फोल्डर में। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो सिंपली न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो और उसका नाम मॉड्स रख दो। और अब ये जो तीन मॉड्स तुमने डाउनलोड किया है उसको मूव कर लो मॉड्स फोल्डर में, और उसके बाद क्लोज कर दो और फिर से लॉन्चर ओपन कर लो और गेम स्टार्ट कर लो। और अब जैसे तुम्हारा गेम स्टार्ट हो जाए तो सेटिंग्स में जाओ और वीडियो ऑप्शंस में जाओ, और ऊपर में शेडर्स पैक दिखेगा उस पर क्लिक करके तुम्हें नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा ओपन शेडर्स फोल्डर का, तो उसको ओपन करना है और सिंपली जो शेडर्स तुमने डाउनलोड किया था वो इस फोल्डर में डाल देना, और फिर बैक आकर शेडर को सेलेक्ट कर लेना और अप्लाई बटन पर क्लिक करके डन बटन पर भी क्लिक करके बैक आ जाओ। और गेम स्टार्ट होने के बाद सेटिंग्स में जाना है, फिर ऑप्शंस, वीडियो सेटिंग्स, शेडर्स पैक सेटिंग्स तुम्हें नीचे दिख जाएगा, और ये मेन एरिया जहाँ पर हम छेड़छाड़ करने वाले हैं हर एक सेटिंग्स को। ओके, तो जब तुम ये सब कर चुके होंगे उसके बाद तुम्हें सबसे पहले ये जो सेटिंग करना है वो ये है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा FPS ज्यादा मिले तो बेसिक PBI डिसेबल पर क्लिक करो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें गेम की लुक्स गजब एकदम मस्त दिखे तो तुम वैसे रहने दो जैसे कि पहले था। और फिर उसके बाद तुम आ जाओ मटेरियल ऑप्शंस पर, और फिर इंटीग्रेटेड PBR सेटिंग्स, और फिर इस ऑप्शन को टर्न ऑन कर दो, और इससे क्या होगा वो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद इसी के साइड में एक और ऑप्शन है नॉइस कोटेड का, इसे भी ऑन कर दो जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ज्यादा टेक्सचर्स दिखेगा, बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ तो मैं इसे ऑफ ही रखूंगा। और फिर इसके बाद तुम्हें बैक आ जाना है और स्काई ऑप्शंस पर क्लिक करना है, और फिर उसके अंदर ओवरवर्ल्ड स्काई कलर, उसके बाद जो तुम्हें सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है उसको जीरो कर देना है, और उसी के साइड वाले को 120 पर सेलेक्ट कर दो, और इससे ये होगा कि तुम्हारा स्काई कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि बहुत ही मस्त दिखता है। और फिर बैक आ जाओ और क्लाउड सेटिंग पर क्लिक कर दो, और यहाँ पर हम क्लाउड्स की थिकनेस बढ़ाएंगे 8 पर और ब्राइटनेस को कर दो 2.5 पर, और इस और उसके बाद तुम्हें बैक आ जाना है। उसके बाद तुम्हें जाना है नाइट स्काई सेटिंग्स, और तुम्हें स्टार ब्राइटनेस को 3 पर सेलेक्ट करना है, और स्टार अमाउंट को हाई कर देना है, और गैलेक्सी को ऑन करके ब्राइटनेस को 3 पर सेलेक्ट कर लेना है, और इससे तुम्हारे आसमान में 4 चांद लग जाएंगे मेरे भाई। और ये सब करने के बाद तुम्हें बैक आ जाना है, और उसके बाद हम जाएंगे लाइटिंग सेक्शन में, और उसके बाद हम केव लाइटिंग को बढ़ा देंगे 128 तक, और इससे क्या होगा कि केव्स में थोड़ी चमक आ जाएगी जिससे तुम्हें ज़्यादा साफ दिखाई देगा। और उसके बाद हम सीन अवेयर लाइटिंग को ऑन कर देंगे, इससे क्या होगा कि जो भी प्रकार की लाइटिंग होगी लाइट भी वैसी ही दिखाई देगी, जैसे कि ये लालटेन और सी लालटेन के बीच तुम डिफरेंस देख सकते हो। और फिर उसके बाद हैंड हेल्ड लाइटिंग डिस्टेंस को 28 तक बढ़ा देंगे, और इससे क्या होगा कि तुम्हारी टॉर्च की डिस्टेंस अब ज्यादा दूर तक दिखाई देगा। उसके बाद आता है ब्लॉक लाइट फ्लिकरिंग, वैसे तो मैं इसे ऑफ ही रखूंगा पर तुम चाहो तो ऑन कर सकते हो, इससे होगा ये कि तुम्हारा लाइट ज्यादा रियलिस्टिक दिखेगा, बट मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं तो मैं ऑफ ही रखूंगा। और उसके बाद तुम्हें अप्लाई कर देना और बैक कर देना है, और उसके बाद और बैक आ जाना है। और अब हम जाएंगे वर्ल्ड सेक्शन में, और यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे आउटलाइन सेटिंग में, और यहाँ ये जो पार्ट है तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे रखना चाहते हो। तो अगर इसे तुम ऑन करते हो तो जैसे मैं रखा है वैसे ही रख लो, और इसे ये देखो कि कैसे दिखेगा। इसमें जो ब्लॉक्स पर आउटलाइन आ जाएगा जो कि ज्यादा शानदार दिखता है। अगर तुम इसे ऑफ ही रख सकते हो अगर तुम चाहो तो, ये पूरा तुम पर डिपेंड करता है। उसके बाद बैक आ जाओ और वेविंग स्टॉप सेटिंग्स पर क्लिक करो, तो बाय डिफॉल्ट ये सारे ग्रास कुछ ऐसे दिखेंगे। तो सबसे पहले वेविंग लीव्स को ऑन करेंगे तो ट्रीज कुछ ज़्यादा ही डांस करने लगेंगे, और उसके बाद रेन वाला सेटिंग्स को 4 तक बढ़ा देंगे, तो ये करेगा कि जब बारिश होगा तब ट्रीज कुछ ज़्यादा ही हिलने लगेंगे जैसे कि तुम देख सकते हो। और अब तुम फिर से बैक आ जाओ और फिर आ जाओ लाइटिंग शाफ्ट सेटिंग्स में, और हम लाइटिंग शाफ्ट स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 1 कर देंगे, और इससे होगा कि थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी जो कि बहुत शानदार भी दिख रही है। और बस यही सब था वर्ल्ड सेक्शन में, इसके बाद बैक आ जाओ।
फिर आ जाओ पोस्ट प्रोसेस सेटिंग्स में और यहाँ पर ब्लूम सेटिंग्स पर क्लिक करो और ब्लूम स्ट्रेंथ को 0.4 से 0.5 पर सेट कर लो, तो ये थोड़ी लाइटिंग को बढ़ा देगा और तुम देख सकते हो कि ब्लूम ऑफ पर कैसा दिखता है। और इसको BSL पर मत कर लेना, नहीं तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके बाद बैक कर लो और आ जाओ इमेज शार्पनिंग के सेटिंग्स पर और इसको बढ़ाकर कर दो 5 पर और ये तुम्हारे गेम थोड़ा ज़्यादा ही कूल बना देगा, जो कि तुम देख सकते हो और खासकर जो कि डिस्टेंस पर है। और अब बारी है वाटर सेक्शन की, तो इंटर कर लो और यहाँ पर हम सबसे पहले वाटर रिफ्रैक्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन और प्रोजेक्टेड कॉस्टिक्स को ऑन कर देंगे। पर ध्यान रखना है कि इससे तुम्हारा गेम हल्का सा लैगी हो सकता है, बट हाँ ये वर्थ इट है, जो इससे कि तुम देख सकते हो खतरनाक लुक्स दे रहा है। उसके बाद अंडर वाटर फॉग डिस्टेंस को बढ़ाकर 128 पर कर देना है और अंडर वाटर डिस्टॉर्शन को 0 पर कर देना है और ये तुम्हारे गेम के पानी को ज़्यादा साफ कर देगा और दूर दूर तक दिखेगा। और उसके बाद हम जाएंगे वाटर वेविंग ऑप्शंस पर, बट ये कम्प्लीटली तुम पर डिपेंड करता है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो करो वरना स्किप कर दो। मैं यहाँ पर बस बम्पिनेस बढ़ाने वाला हूँ 5 पर और ये थोड़ा पानी को रफ बना देता है और जो मस्त दिखने में लगता है। और लास्ट में वाटर डिस्प्लेसमेंट को ऑन कर दूंगा, जो कि पानी को थोड़ा ज़्यादा हिलाता है ऊपर नीचे, जो देखने में भी मस्त लगता है। और उसके बाद बैक करना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। और अब हमारी लास्ट सेटिंग्स मटेरियल्स पर जाना है और यहाँ पर रेन पडल सेटिंग्स को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर रेन पडल्स को ऑन कर देना है। और ये क्या करेगा कि जब बारिश होगा तब तुम्हारी जमीन पर पानी भी दिखेगा कुछ इस तरह से, और ये बारिश खत्म होने के बाद भी थोड़ी देर तक रहेगा, जो कि बहुत ही मस्त लगता है यार, तो तुम कर लेना। तो ये थे सारे सेटिंग्स, और सारे सेटिंग्स करने के बाद मेरा माइनक्राफ्ट और तुम्हारा माइनक्राफ्ट बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो अभी तक अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने वीडियो में एक बार भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, तो तुम जानते हो ऐसे वीडियोस बनाने में भाई काफ़ी मेहनत लगती है, और मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर रहे हो। तो बस इतना ही था यार आज के वीडियो में, आई होप कि आज की वीडियो मेरी पहली वीडियो तुमको पसंद आएगी और तुम्हारा सपोर्ट भी मुझे मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, जब तक एंजॉय करो नया वीडियो आने तक। We'll be right back.